सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 6 बजे वाले कार्यक्रम में। आज बहुत दिनों बाद हम आस्तीन के सांप वाली सीरीज की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे, एक वेब पोर्टल है जिसे द क्विंट कहा जाता है और इसे चलाने वाले एक सज्जन है जिनका नाम है शेखर गुप्ता। अगर आप मेरी जो प्लेलिस्ट है उनमें जाएंगे तो जहाँ पर आस्तीन के सांप वाली प्लेलिस्ट है उसमें आपको शेखर गुप्ता भी दिखाई दे जाएंगे, तो देखिए जरूर उनको। अब आज जो हम बात करेंगे, आजकल एक केस चल रहा है बुल्ली बाई डील्स वाला या सुल्ली डील्स वाला, पहले सुल्ली डील्स चला था और उसमें जो पुलिस है उसने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है और जब अरेस्ट करते हैं तो उसके बारे में समाचार भी आते हैं। ऐसे ही समाचार हमें द क्विंट में भी देखने को मिलते हैं और ये जो सीरीज है इसका ऑब्जेक्टिव यही समझना है कि किस तरह से बीते 60-70 वर्ष में हमें मीडिया ने कैसे मैनिपुलेट किया। देखिए, मैनिपुलेट करने के कई साधन हैं। पहले तो नेहरू काल से ही जो पॉलिटिशियंस थे वो तो जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था वो तो हमें मैनिपुलेट करने का था ही। एजुकेशन सिस्टम क्योंकि कॉम्प्रोमाइज था, स्टेट चलाती है तो वो भी था। जो फिल्में थी उन पे भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो न्यूज़ आती हैं उनके बारे में हमने संभवतः उतनी चर्चा नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो थोड़ा बाकियों से ज्यादा IQ अपना चाहते हैं या समझते हैं, वो इन्हें अवश्य पढ़ते हैं। तो वहां पर मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, आज हम उसका एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। लेकिन देखने से पहले एक बार यदि आप शेयर लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जब हम इसमें शुरू कर रहे हैं तो पहले हम बुल्ली बाई डील्स वाले मुद्दे पर जाने से अच्छा है कि एक और केस देखेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक जिहादी का नाम सुना होगा जिसका नाम है शर्जील इमाम। आजकल वो दिल्ली पुलिस की सेवा में है, वहां पर अपना इलाज करवा रहा है। जिस समय उसे अरेस्ट किया जा रहा था तो उस समय के जो मीडिया कवरेज है, और स्पेशली क्योंकि आज हम द क्विंट की बात कर रहे हैं तो मैं उसी पे अपनी जो डिस्कशन है उसे फोकस करके रखूंगा। इसमें सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे कि किस प्रकार से, देखिए जो टेम्पलेट बनाया गया है वो क्या है कि अगर कोई शांति दूत है जो क्रिमिनल है तो उसमें उसको अंडर प्ले करो और उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि लोगों को सहानुभूति हो। आपको याद होगा कि कोई आतंकवादी मरता है तो वो स्कूल मास्टर का बेटा हो जाता है, कोई क्रिकेट प्रेमी हो जाता है, तो ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन हम आज उसकी थोड़ी सी बारीकी में जाने का प्रयास करेंगे। और इस कवरेज को जरा हम देखना आरंभ करते हैं। तो ये इनका जो हेडलाइन बनता है, स्टूडेंट शर्जील इमाम सरेंडर्स इन बिहार, इज ही अ टेररिस्ट और अ स्केप गोट टू मलाइन शाली शाहीन बाग प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दो तीन चीजें नोटिस कीजिए इसमें। पहली चीज तो स्टूडेंट से शुरू किया जाता है, उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। आम लोगों को ये जताना कि स्टूडेंट को पकड़ा जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, इसलिए इस तरह का वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है नैरेटिव चलाने के लिए। और दूसरी ओर जो मुल्ला मौलवी क्लास है जिसने मुसलमानों को अपने कब्जे में कर रखा है, उन्हें ये जताने का मौका मिलता है कि देखो हमारे बच्चों को अरेस्ट किया जा रहा है, हमारे स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया जाता है, तो वहां पर विक्टिमहुड पेश करने के लिए बहुत काम आता है। और फिर वो टेररिस्ट है या बेचारे को फंसाया जा रहा है क्योंकि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको बुरा दिखाना था, तो एक हेडलाइन में ही काफी सारा एजेंडा आपको स्पष्ट हो जाता है। फिर नीचे जब कंटेंट चलना शुरू होता है तो उसमें क्या आएगा,
सबसे पहली चीज, शर्जील राम इमाम सरेंडर्स इन बिहार। अब इसमें ये फायदा क्या उठाते हैं कि आम लोग हर समय न्यूज को ट्रैक नहीं करते, उन्हें बहुत सीरियसली नहीं देखते, मोटा मोटा देखते हैं। तो जब आएगा कि शर्जील इमाम स्टूडेंट है और उसने सरेंडर कर दिया है, तो उसे एक अलग इमेज बनती है। लेकिन अगर ये बताया जाता कि क्रिमिनल शर्जील इमाम हैज बीन अरेस्टेड, उसने सरेंडर नहीं किया था, पुलिस टीम्स कई दिनों तक उसको ढूंढती रही, कई टीमें बनानी पड़ी थी दिल्ली पुलिस को जो अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही थी। तो इनके वकील भी अच्छे चंट चालाक होते हैं, तो उन्होंने मीडिया में नैरेटिव बिठाने की कोशिश की कि इसने अपने आप को सरेंडर किया था, ये कोई क्रिमिनल थोड़ी जो भाग रहे, तो बेचारा स्टूडेंट है। तो पहला हेडलाइन में स्टूडेंट, दूसरा सरेंडर करना, और फिर तीसरी चीज पे आइए। इफ वन लिसन्स टू शर्जील इमाम्स फुल स्पीच, इट इज क्लियर ही इज कॉलिंग फॉर अ चक्का जाम ऑन रोड्स लीडिंग टू असम। कि वो तो बेचारा है चक्का जाम कराने की बात कर रहा था, और चक्का जाम कराना हमारे देश में अपराध कब से हो गया? ये तो गांधी की धरती है, यहाँ पर तो डेमोक्रेटिक तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो किए जा सकते हैं और करते जाते रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रिंट में आता है, या प्रिंट से भी बेहतर है कि टेक्स्ट फॉर्म में आता है, तो उससे थोड़ा सा हम अलग हटके भी देख सकते हैं। इन्होंने अपना एक YouTube चैनल भी है इनका, तो वहां पे देखते हैं। ओके जी, ये है, ये इनका चैनल है क्विंट का, और यहाँ पर ये जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है आदित्य मेनन। और आज जो मैं आपके साथ दो एग्जिबिट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो दोनों ही इसने लिखे हैं, और उससे हम समझेंगे कि किस तरह से दोगलापन करते हैं, किस तरह से शरारत की जाती है। तो फिलहाल हम इसे जरा थोड़ा सा सुन लेते हैं कि क्या कहते हैं। और ब्लॉकेड ऑफ द हाईवेज एंड रेलवेज लीडिंग टू असम, एट नो पॉइंट डज इट टॉक अबाउट ब्रेकिंग अवे एनी पार्ट ऑफ इंडिया, सो डज दिस क्वालिफाई एज सेडिशन और टेररिज्म? सर्टेनली नॉट। ब्लॉकेड इज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन इंडिया। सुना आपने, ब्लॉकेट जो है वो हमारे देश में एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है, तो क्योंकि किया जाता है, तो इस बेचारे स्टूडेंट को जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, अरेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चक्का जाम तो सब करते रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इनकी कवरेज पे, एक बार फिर से चलते हैं। तो दो चीजें हमने देखी थी, आगे चलिए जरा। फिर बड़े स्मार्टली वहां पर शर्जील इमाम का एक ट्वीट डाला जाता है, आई हैव सरेंडर्ड टू दिल्ली पुलिस, आई एम रेडी एंड विलिंग टू कोऑपरेट, टू ऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन, आई हैव फुल फेथ इन द प्रोसेस ऑफ लॉ, माई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आर नाउ इन द हैंड्स ऑफ दिल्ली पुलिस, लेट पीस प्रिवेल। इन्हें सब सिखाया जाता है कि कौन कौन से अच्छे अच्छे शब्द होने चाहिए ताकि इंटरनेशनल मीडिया में उसको प्रोजेक्ट किया जा सके। तो यहां पर आप देखेंगे तो मैंने सरेंडर किया है, मैं विलिंग हूं कोऑपरेट करने के लिए, भगोड़े इस तरह की बात बोलते हैं, मेरा पूरा विश्वास है कानून में और दिल्ली पुलिस के हाथ में अब मेरी सुरक्षा है, क्योंकि अब पिटाई होने का समय आने वाला है, तो फिर दिल्ली पुलिस को भी मस्का मार लेना चाहिए लगे। चलिए, ओके जी, अब मीडिया किस तरह से चालाकी चलनी है उसके लिए उनके पास एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले हैं कुछ, कि हमेशा एक विलन दिखाना है, तो विलन कैसे दिखाना है, या तो हिंदुओं को, हिंदुत्व को, आरएसएस को, बीजेपी को, तो वो शुरू हो जाता है। एंटायर कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग अ स्पीच इमाम गेव। अच्छा हाँ, इसमें एक काम करते हैं, पहले मैं आपको स्पीच के भी कुछ अंश दिखा दूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने जो है वो स्पीच भी नहीं सुनते, क्योंकि उतना समय सबके पास नहीं होता, लेकिन मुझे सुनना पड़ता है जी, झेलना पड़ता है, तो सुनिए जरा। नहीं, फिर बहस खत्म हो जाती है, इस पे आगे बहस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सबसे गरीब मुसलमान है उसी को सेक्युलरिज्म की मार पड़ी है। ठीक है, ये हिंदुस्तान की 70 साल तारीख है, तो
और बन तो ये बहुत बुनियादी बात है, पता नहीं लोगों को समझ में क्यों नहीं आती और लोग अभी भी सही ये बात सही है कि इंडिविजुअल्स को स्टेट अपैरेटस ऑन पेपर डिफरेंशिएट नहीं करता मजहब के एतबार से, लेकिन कम्युनिटीज को करता है, क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन मिलता है ना भाई। तो अफर्मेटिव एक्शन जिसको डिनाई किया जाए उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो अगर मजहब के बेसिस पे डिनाई किया जाए तो पक्का डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये जो आईन है ये पहले से मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी रहा है। ये चीज ये जो आईन है ये पहले से मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी रहा है। आप अच्छे से सुनिए कि पूरा जिहादी मानसिकता वाला आदमी है ये, जिसे स्टूडेंट और स्कॉलर कह के पेश किया जाएगा। हमारे जहन में बैठ जानी चाहिए अगर हम आगे रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो पहली चीज है सेक्युलरिज्म, दूसरी चीज है। अब यहाँ तक इसने क्लियर कर दिया कि ये जो हमारे देश का संविधान है ये सेक्युलर नहीं है, वो तो हम भी कहते हैं, लेकिन ये हमसे बिल्कुल उल्टा बोल रहा है कि सेक्युलर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों को परसिक्यूट किया जाता है। डेमोक्रेसी, अगर ये मुल्क डेमोक्रेटिक होता तो चुनाव का तरीका ये ना होता जो हमारे सामने है। इसको फर्स्ट पास द पोस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन असेंबली डिबेट्स में भी ये बहस काफी हुई थी और उस पर जो भी अपनी बात रख रहा था कांग्रेस की तरफ से जवाब आता था कि चले जाओ पाकिस्तान। ठीक है, ये चीज है। तो यहां तक इसने बता दिया कि ना तो ये देश डेमोक्रेटिक है और क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी नहीं है, और दूसरा ये सेक्युलर भी नहीं है। और इसमें हाँ, इसमें एक चीज और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इसके विषय में, ये पढ़े लिखे पंडितों का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। हाँ, पढ़े लिखे पंडित जो है वो अनपढ़ पंडितों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पंडितों का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, और जो पढ़े लिखे पंडित होते हैं वो अनपढ़ पंडितों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कितने प्यार से वो प्रेम मोहब्बत का पैगाम फैला रहा था, जैसे क्विंट वाले बता रहे हैं कि ये तो जेन्युइन बातें करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने ट्वीट्स में भी अब कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करता है। अब जरा एक और करिश्मा सुन लीजिए। इस्तेमाल तो जरूर किया गया है लेकिन वो मेजॉरिटी से सारी चीजें पास होती है और मेजॉरिटी अबकास्ट हिंदू के पास थी, तो ये हुई दूसरी चीज। फिर कॉल प्रोटेक्शन पे आ जाए वो तो तो दूसरी चीज क्या बताई इसने कि अपर कास्ट हिंदुओं ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब तीसरी चीज सुनिए, काउ प्रोटेक्शन। क्लियरली एक फैशिस्ट आइडिया है, इसमें किसी को शक नहीं हो सकता। काउ प्रोटेक्शन एक फैशिस्ट आइडिया है, इसमें किसी को शक नहीं हो सकता। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, तो इस तरह की चीजों से आपको समझ में आ जाएगा कि ये दस्तूर कभी भी डेमोक्रेटिक और सेक्युलर नहीं रहा है। ये बात जब तक हम नहीं समझेंगे हम आगे का रास्ता ढूंढ नहीं पाएंगे। तो जिस समय तो पुलिस ने पकड़ लिया उस समय तो इसको संविधान पे भरोसा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे, लॉ मशीनरी पे भरोसा है, लेकिन जब स्टेटमेंट्स देता है, जब इसने शांति दूतों को भड़काना है, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ना तो सेक्युलर है ना डेमोक्रेटिक है, और सबसे ज्यादा उसने मुसलमानों को प्रताड़ित किया है। बनाया किसने है? अपर कास्ट ने, और अपर कास्ट हिंदुओं ने बनाया है, पंडितों ने बनाया है। ओके, अब इस लाइट में जब आप देखेंगे कि इसको किस तरह से पेश किया जा रहा है क्विंट वायर लायर इनके माध्यम से, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हाँ, ए स्मॉल एक्सर्प्ट ऑफ द स्पीच वॉज शेयर्ड बाय भारतीय जनता पार्टी लीडर्स एंड सम मीडिया चैनल्स। तो बीजेपी के लीडर्स ने शेयर किया और कुछ मीडिया चैनल्स हैं जिन्हें आजकल गोदी मीडिया बोल देंगे। If one listens to the entire thing, it is quite clear that he is calling for a chakka jam or a blockade of the highways. And at no point does he talk about breaking away any part of India. ये ध्यान से देख लीजिए जी क्या कह रहे हैं। At no point does he talk about breaking away any part of India. अब हम जरा इस पार्ट को भी चेक कर लेते हैं कि इसने ऐसा कहा कि नहीं कहा। ओके, इसके लिए मुझे थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा यहां। आएगा कि हम चुनाव कैसे लड़े, हम पार्टियां कैसे बनाए, अपनी अपनी सड़कों को जाम कर, कुछ जगह कोशिशें भी हुई, सीलमपुर जाफराबाद में कोशिश हुई, रैफ ने भगा दिया,
पुरानी दिल्ली में कोशिश हुई, वहाँ भी फोर्सेस ने आकर के भगा दिया। लेकिन आप ये देखेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया आने के बाद फुटफॉल शाहीन बाग में दिन का 1 लाख 2 लाख इस तरह का होने लगा, 50,000 1 लाख। अरे भाई, अगर उसमें से 500 भी मुखलिस लोग होते ना तो काफ़ी था दिल्ली बंद करने की। ये बात आप समझिए, आपका हमदर्द कोई नहीं है, वो या तो एग्जॉटिक ट्रिप मारने आए, यहाँ कबाब कैसा मिलता है देखने जरा, अभी ये सेफ भी है गैर मुस्लिमों के लिए क्योंकि मीडिया अटेंशन है, कुछ होगा नहीं, लड़कियाँ भी घूम रही हैं रात भर तो हम भी घूम सकते हैं। हाँ ये है कि वो एग्जॉटिक प्लेस है उनके लिए, दिल्ली की सिविल सोसाइटी के लिए, तो एक तो काम उन्होंने वो किया। दूसरा ये कि स्टेज पर फिर हर तरह के नेता आने लगे, 11 दिन के बाद से अल्लाह जाने कौन कौन आया है, सलमान खुर्शीद बिना बुलाए। अच्छा हाँ, ये भी बहुत अहम बात है, बिना बुलाए, कोई बुलाता नहीं था कि आप यहाँ आ जाए। जैसे ही उन्होंने, मैंने देखा कि इफ्तार की तस्वीर अपलोड की लोगों ने, आधे घंटे में धड़ाधड़ दिल्ली के नेता आने लगे, क्योंकि इफ्तार में 10,000 लोग थे, ठीक है, तो उनको तो 10,000 लोगों को एड्रेस करने का मौका है, कैमरा है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हमें समझ में आई। तो पिछले 10-12 दिन से हमारी कोशिश ये रही है दिल्ली शहर में कि बाकी कहीं ऐसा हो पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक तो सरकार भी तैयार है, फोर्सेस तैयार हैं, और दूसरा ये कि जो हमारे गैर मुस्लिम अलाइज है वो अलाइज नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, अगर वो अलाइज होते तो दिल्ली बंद होता। तो ये चीज़ हमें समझ, गैर मुस्लिम अलाइज हमारे अलाइज नहीं है, अगर वो अलाइज होते तो दिल्ली बंद होता। हमारा कोई अलाई नहीं है यार, कोई 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 गुट कोई गिरोह, इंसान हो सकता है, इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी गिरोह की किसी गुट की आप बात कर लें, कोई आपका अलाई नहीं है। तो अव्वल तो ये, अब हमें दिल्ली क्यों बंद करना है? अभी बहुत तरह के आर्ग्यूमेंट आते हैं कि बहुत सारी आवाम को इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो आप एक साइड खोल दें, ये करें वो करें। एक साइड का तो तजुर्बा मैंने बता ही दिया, वो तो खैर खारिज है पूरा बहस से, लेकिन हमें दिल्ली बंद इसीलिए करना है कि आवाम को इनकन्वीनियंस हो। ये बहुत, तो हमें दिल्ली इसलिए बंद करना है कि आवाम को इनकन्वीनियंस हो। तो जिसे वो कह रहा है ना चक्का जाम, एक जेन्युइन तरीका है प्रोटेस्ट करने का, यहाँ देख लीजिए कितना जहर है कि दिल्ली को जानबूझ के बंद करना है। अभी आगे सुनिए जरा। हम अचीव किए अपना गोल 20-25 दिन मेहनत करके कि अब नोएडा जो है, नोएडा से दिल्ली आने वाले लोग कम से कम 3 घंटा लेट होते हैं, है ना, तो ये अचीवमेंट है। अगर एक और रोड बंद हो जाए 6 घंटा लेट होंगे, और एक और रोड बंद हो जाए तो दिल्ली में पानी बंद हो जाएगा, है ना। जरूरी चीज है, तो ये हमें करना होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं नहीं जा सकते। ओके, तो ये कितना अच्छा व्यक्ति है, उसका एक एग्जांपल तो आपको यहाँ देखने मिल गया। अब जरा उससे ज्यादा सीरियस इशू पर चलते हैं। यहाँ रिस्पांस ना कर पाए, रिस्पांस ना कर पाए तो हम अनऑर्गेनाइज रिस्पांस लेंगे, और अनऑर्गेनाइज रिस्पांस अगर मुसलमानों ने किया तो ये देश तहस नहस हो जाएगा, ये आपको भी पता है। अगर मुसलमानों ने अनऑर्गेनाइज रिस्पांस दिया तो ये देश तहस नहस हो जाएगा, ये आपको भी पता है। तो अगर मुसलमान खुद ऑर्गेनाइज हुए तो उससे हम देश भी बचा लेंगे इंशाल्लाह, हमें इतनी कुव्वत है, लेकिन पहले हमें ऑर्गेनाइज होना होगा, ये बात बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आवाम जो अभी चौथे गियर में सड़कों पे घूम रही है, तो हमें भी चौथे गियर में घूमना होगा। हमें कैंपस के सेंसिटाइजेशन से ज़्यादा आवाम के सेंसिटाइजेशन पर ध्यान देना होगा। अगर हम NRC की बात कर रहे हैं, CAA की बात कर रहे हैं, तो इसी बहाने 1951 से पूरी तारीख सुना सकते। म्यूजियम में रखे जाने लायक है, उनकी समझ ही इतनी कोता है कि हमारी बातें कर ही नहीं सकते, तो वो तो अलग ही उस पर बाद में जाएगा, अर्जेंट इशूज जो है उनको डील किया जाए कि हमारे अलाई कौन है और हमारे दुश्मन कौन है। तो ये अच्छा, अब एक और चीज़ है जो हम लोग दिल्ली में कोशिश करेंगे, वो ये है कि अगर हमारे पास, ठीक है, अब हम स्कॉलर हैं, अगर हम स्कॉलर हैं तो इतना तो कर सकते हैं हम कि गैर मुस्लिम अपने साथ ला सकते हैं, दिल्ली के स्कॉलर्स की ये जिम्मेदारी है। तो अगर हम 500 स्कॉलर्स की टीम दिल्ली में बना लें मुसलमान, तो 500 हिंदू उनके साथ आएंगे जब अर्जेंट मामला होगा। इतनी तो अपनी ज़िंदगी यही गुजारी है, तो इतना तो करें, एक आदमी को तो ला ही सकता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अगर 500 हैं दिल्ली में, तो हम 500 मुसलमान 500 हिंदू रोड पे खड़ा कर दें अपनी शर्तों पे, अपने कॉज के लिए। अरे भाई, एक हिंदू को तो आप ला सकते हैं ना अपनी शर्तों पर। यहाँ अपने को ध्यान से समझ लीजिए कि किस तरह उल्लू बनाने की स्कीम बनाई गई थी। हमें किसी और की मदद की जरूरत नहीं है, अगर हमें इसी डर से बचना है कि कम्युनल टैग ना लगे। कम्युनल टैग से भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ब्रूटैलिटी से, फर्क पड़ता है जब हम अकेली की भीड़ है और पुलिस हमें बेतहाशा मारे, फर्क उससे पड़ सकता है। फर्ज कीजिए,
एक आर्गुमेंट ये बार बार आ रहा था दिल्ली में, इसलिए मैं ये बात कर रख रहा हूँ। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ की को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाए, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पर खड़े हैं हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पर नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त यह है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर आगे खड़े हैं, अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े होते तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। तो ये है वो सेक्युलर स्टूडेंट और स्कॉलर जिसे क्विंट वाले पेश करें कि उसने कोई गलत बात नहीं की थी। तो एक चीज ये दूसरी, मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जांपल दूंगा, बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें अररिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। तो हम नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। और वो क्या कह रहा था कि उसने कहीं भी देश को तोड़ने की बात नहीं की। परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो एक आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। और आगे फौज के बारे में सुन लीजिए, इतना मवाद डाले पटरियों पर रोड पे, उनको हटाने में एक महीना लगे, ठीक है, नहीं जाए एयरफोर्स से, आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। आसाम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन टाइम में लोग डाले जा रहे हैं, है ना, और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने में पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया जाए, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें आसाम की मदद करनी है तो हमें आसाम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कन्हैया जैसे नेता क्या करेंगे, जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे, तालियां होंगी हमारी आवाम की, चेहरा होगा इनका, और उससे एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक, एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक। तो ये चीज याद रखिए। जी, तो ये है इसका असली चेहरा जो आम लोगों को नहीं दिखाया जाएगा। उन्हें क्या बताया जाएगा, हमारे घरों के जो बच्चे जब कोई पोर्टल देखेंगे तो क्या उन्हें लगेगा कि स्कॉलर है बेचारा जिसे अरेस्ट किया गया है। अब जरा वापस आते हैं क्विंट की फुटेज के ऊपर, ये बता रहे थे, हाँ इससे पिछला यहां देख रहे थे हम, At no point does he talk about breaking away any part of India. किस तरह blatant झूठ बोलते हैं। आगे चलते हैं, blockade is legitimate form of protest in India. In 2008, several Hindutva organizations had blocked the Jammu-Srinagar highway during the 2008 Amarnath agitation, cutting Kashmir off from rest of the country. तो एक जगह पर वो एक मजहब के लोगों को कह रहा है कि तुम मिलके उसको काट दो ताकि फौज भी ना आ जा सके, और उसकी तुलना किससे की जा रही है कि जब अमरनाथ यात्रा के लिए मुझे लगता है कि केवल 40 कनाल जगह थी जो मांगी गई थी, जिसको देने के लिए जिहादियों ने मना कर दिया था। और आगे देखिए कि उन्हें तो किसी ने सेपरेटिज्म के लिए मना नहीं किया था, क्योंकि वो सेपरेटिज्म की बात नहीं कर रहे थे, वो शांति दूतों को नहीं उकसा रहे थे। एंड हियर शर्जील इमाम इज मेयरली टॉकिंग अबाउट अ ब्लॉकेड, वो तो सिर्फ बात कर रहा है ब्लॉक करने की, द ब्लॉकेड हैजंट इवन टेकन प्लेस, और फिर भी बेचारे को पकड़ लिया। और इट इज क्लियर दैट, एंड अब क्यों पकड़ा उसके लिए मोटिव भी असाइन करना पड़ता है, तो जो बीजेपी है वो डर गई है इसलिए उसे पकड़ा गया है, क्योंकि बीजेपी ना होती, इनकी अपनी सरकार होती तो ऐसे गुंडे बदमाशों को तो पकड़ती नहीं। आगे देखिए, इन द लास्ट फ्यू वीक्स पीपल एसोसिएटेड विद बीजेपी हैव मेड सेवरल एलिगेशंस अबाउट द शाहीन बाग प्रोटेस्ट। ये मीडिया का बड़ा एक स्टैंडर्ड टेक्टिक होता है कि अब मैं बीजेपी से नहीं जुड़ा हुआ, नोएडा से दिल्ली आने वाले जो लाखों लोग रोज परेशान हो रहे थे वो बीजेपी से नहीं जुड़े हुए, वो आम लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं जो परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनको क्योंकि रिडक्शन, उनको
डीह्यूमनाइज करके दिखाना है, इसलिए पीपल एसोसिएटेड विद बीजेपी एलिगेशंस लगा रहे हैं, देश के आम लोग नहीं लगा रहे। और दूसरी ओर बट द क्राउडेड शाहीन बाग हैज ओनली इंक्रीज्ड एज हैव सीन एज हैव शाहीन बाग लाइक प्रोटेस्ट्स इन रेस्ट ऑफ द कंट्री विद इट्स सी ऑफ ट्राइकलर्स एंड वुमेन लीडिंग द वे। तो जो ये जिहादी बैठे हैं वो तो क्योंकि हाथ में तिरंगा लेके बैठे हैं, इनका नया टेक्निक है कि तिरंगा लेके बैठो, लोगों को लगे कि तो देशभक्ति की बात करते हैं, जबकि देशभक्ति कितनी है वो हमें दिखाई दे रहा है। और कुछ ये वो आपको याद होगा कि अभी तो शेरनियां आगे बैठी हैं, शेर आए नहीं है, जो बाद में पता चलता था वहां कॉन्डोम मिले और प्रेग्नेंट मिली हैं, तो ऐसी महिलाएं भी वहां बैठती थी, सारी नहीं लेकिन कुछ तो बैठती थी। तो और शर्जील इमाम को एक कन्वीनियंट स्केप गोट बनाया गया है। और फिर दोबारा से बताया जाता है कि वो तो बेचारा सिर्फ चक्का जाम के लिए कह रहा था। और आगे चलते हैं तो अब ये क्या हो रहा है कि जो प्रोटेस्टर थे बेचारे उनको सजा दी जा रही है, उन पर गोलियां चलाई गई, अस्पतालों में गोलियां चली, घरों में गोलियां चली और मस्जिदों में भी गोलियां चली। और चली क्यों, हरास क्यों किया जा रहा था, क्योंकि उन बेचारों की तो कोई गलती ही नहीं थी, वो तो सिर्फ बेचारे देश की कैपिटल को बंद कर रहे थे जहां पर रोज लाखों लोगों को आने जाने में समस्या हो रही थी, तो ऐसे मीडिया से पेश करता है। और दूसरी खास चीज कि इसकी जितनी जगह पे क्विंट वालों ने फोटो लगाई है वो कौन सी लगाई है, उसकी कोई फोटो है जिसमें वो स्माइल कर रहा है और एक मंदिर के सामने बैठा है। उद्देश्य क्या होता है कि आम व्यक्ति जब उसे देखेगा तो एक तो प्रेजेंटेबल होना, ये देखिए प्रेजेंटेबल होना चाहिए, और दूसरा ये ना लगे कि कोई जिहादी है, ऐसा लगना चाहिए तो बेचारा बड़ा ही सेक्युलर आदमी था जिसमें कट्टरवाद की एक बूंद भी नहीं है। और अच्छा एक मिनट, पहले तो वो भी देख लेना, शर्जील इमाम सेड अस्सलाम वालेकुम इंडिकेट्स हु ही एड्रेस्ड दिल्ली पुलिस। अब ये एक और तरीका होता है इनका उल्लू बनाने का कि दिल्ली पुलिस बहुत बुरी है, उसने बेचारे को फंसाया और फंसाने के लिए क्या रीजन दे रहे हैं कि क्योंकि उसने अस्सलाम वालेकुम बोला था इसलिए दिल्ली पुलिस ने उसको फंसा दिया। जबकि आप पूरे की पूरी स्पीच सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो केवल मोहम्मदियों से बात कर रहा है, मोहम्मदवादियों से बात कर रहा है। स्पीच वॉज मेड इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स एंड वॉज ए पार्टी ऑफ एन इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज लाइव लॉ रिपोर्टेड। तो आजकल जो स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स हैं वो आपको ऐसे दिखाई देते हैं जो देश तोड़ने की बातें करते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। एक और आर्टिकल इन्होंने इस पे बनाया था, इवन एज कोर्ट सेज नो वायलेंस इंसाइटेड। तो कोर्ट ने, अब कोर्ट का भी जजों का भी जजमेंट में से एक एक सेंटेंस वो उठाते हैं जो इन्हें इनके एजेंडा को सूट करता है। तो कोर्ट ने बोला कोई वायलेंस नहीं, लेकिन फिर भी बेचारे को बेल नहीं दिया। कोर्ट ने बोला कि उसकी स्पीच जो थी वो कम्युनल और डिवाइसिव थी। ओके जी, और सदा ही ये खास ध्यान रखा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जेएनयू स्टूडेंट जरूर बताया जाए, और फिर शब्दावली कि उसको बेचारे को बेल नहीं मिली डिस्पाइट फाइंडिंग दैट द एविडेंस टू क्लेम दैट ही इंसाइटेड द वायलेंस वाज स्कैंटी एंड स्केची। और जो उन्होंने मेन, अब देखिए जज ने ये भी बोला था कि इसका डेबिलिटेटिंग इफेक्ट होता है और जो समाज का सौहार्द है और पीस है और शांति है वो बिगड़ती है। ये भी हेडलाइन में आ सकता था, लेकिन हेडलाइन में क्या आएगा कि उसने कोई वायलेंस इंसाइट नहीं की थी। और फिर वही बात कि चक्का जाम के लिए उकसाया था। और फिर और जो आर्टिकल, हर आर्टिकल में फोटो वही वाली लगती है, उसने कोई वायलेंस के लिए इनकरेज नहीं किया था। और जो उसका अंदर आप कंटेंट जब देखेंगे तो उसमें सेम मॉडस ऑपरेंडी रहेगा कि सारी एक तरफा बातें बताई जाएंगी, जैसे कि इसको जेएनयू स्टूडेंट है, एक्टिविस्ट एंड जेएनयू पीएचडी स्कॉलर, दो पैराग्राफ्स में स्टूडेंट भी है, एक्टिविस्ट भी है और
पीएचडी स्कॉलर भी है लेकिन क्रिमिनल नहीं है। और इसे ठीक उल्टा होने वाला है जब जो क्रिमिनल है उसका नाम हिंदू होगा। तो अब हम वहां पे आते हैं, जो बुली बाई डील्स वाला आजकल किस्सा चल रहा है उसमें पुलिस ने एक लड़के को पकड़ा है जिसका नाम नीरज है। तो नीरज बिश्नोई है, इसके बारे में क्या होता है, पीक इनटू बुली बाई क्यूज नीरज बिश्नोई व्यूज ऑन हिंदूज टेक एंड सनी लियोनी। तो अब क्योंकि हिंदू की बात आई है तो ये जो क्या नाम था वो मैनन जो भी था आदित्य मैनन, हाँ ये सामने ही है आदित्य मैनन, ये वही वाला है जो शर्जील इमाम के बारे में सारी चीजें पॉजिटिव बोलता है। अब ये जाते हैं और इस लड़के का नीरज बिश्नोई का जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उनको स्कैन करते हैं और उनमें इन्हें क्या मिलता है, सॉरी उसमें हेडिंग में पहले क्या बताया इन्होंने, व्यू ऑन हिंदूज टेक एंड सनी लियोनी। और जो इसमें सब हेडिंग है वो क्या है, इंटरेक्शंस रिवील हिज बिलीफ इन हिंदू सुपीरियोरिटी एक्सपर्टीज ऑन टेक एंड हिंट ऑफ मिजोजिनी। तो मिजोजिनी यानी महिलाओं से भेदभाव, हिंदू सुपीरियोरिटी भी है उसमें और टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है इसलिए बुल्ली बाई जैसा काम तो वो करेगा क्योंकि हिंदू सुप्रीमेसिस्ट भी है, महिलाओं से को बुरा समझता है और टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है। तीनों विषय ध्यान रखिएगा, इसके कंटेंट पे चलते हैं। 16 ईयर ओल्ड, अब देखिए वहां भी स्टूडेंट बता रहे थे यहां भी स्टूडेंट बता रहे हैं लेकिन यहां उसको नेगेटिविटी से जोड़ रहा है कि 16 साल के बच्चे में ही इतना जहर है तो बड़े होके क्या करेगा। द क्विंट एग्जामिन्ड बिश्नोई'स कोरा प्रोफाइल, हिज बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ हिंदुइज्म एंड अ फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ मिजोजिनी। फिर से वही चीज आ रही है, आगे बढ़ते हैं। तो सिर्फ दो क्वेश्चन है जो पब्लिकली विजिबल है और उनमें से एक है मुस्लिम महिलाओं के बारे में कि उन्हें मस्जिद में क्यों नहीं जाने दिया जाता। अब ये मिजोजिनी कैसे हो सकती, कैसे महिलाओं से भेदभाव है ये नहीं बता रहे, जबकि ये तो बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि तुम यहाँ सबरीमाला में तो बोलते हो कि महिलाओं को जाने नहीं दिया लेकिन किसी मस्जिद में महिलाओं को क्यों नहीं जाने देते हो, इसे ये मिजोजिनी कह रहे हैं। और आगे जब चलते हैं तो ये जो जासूस हैं क्या बताते हैं, वी विल ऑल्सो ट्राई टू लुक एट हाउ मच ऑफ हिज दिस कनेक्ट्स और डज नॉट कनेक्ट टू व्हाट ही इज बीइंग अक्यूज्ड ऑफ प्रेजेंटली। और फिर एकदम ऊपर हाईलाइट देखिए, बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ हिंदुइज्म वर्सेस अदर रिलीजन्स, और उसमें आगे बताते हैं सर्टन डिस्टेन फॉर अदर फेथ्स के, वो थोड़ा सा बाकी के जो मजहब है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्टेन यानी थोड़ी से नेगेटिव विचार रखता है। आगे बढ़िए, लेकिन वहां पे वो दिखा क्या रहे हैं, जब उसका वो स्क्रीनशॉट दिया है तो हिंदुइज्म डजंट हैव 360 मिलियन गॉड्स, किसी ने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में, पीपल डोंट नो दैट हिंदुइज्म वॉज एक्चुअली द फर्स्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, पॉजिटिव बता रहा है। 360 million deities were a creation of Lord Brahma. We are a creation of Lord Brahma, Saraswati as well. तो वो सरस्वती माँ की बात कर रहा है कि उन्होंने भी जगत रचना में पार्टिसिपेट किया, जिसे आप कहीं से भी मिजोजिनी या महिला विरोधी नहीं कह सकते। I read in Gita where Krishna said people worship me with different names, some don't. अभी सारा कुछ बिल्कुल जेन्युइन है, कोई भी हिंदू घर में पला बड़ा बच्चा होगा वो सारी बातें बता सकता है, इसमें कोई आपको हिंदू सुपीरियरिटी नहीं दिख रही और कोई मिजोजिनी नहीं दिख रही। आगे बढ़िए, हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट टू अंडरस्टैंड हिज थिंकिंग एट दैट टाइम इज रिगार्डिंग रिलीजियस कन्वर्शंस। अब इसके विचार हमें जानने चाहिए, मुझे तो ये जो नीरज बिश्नोई है इसके विचार आप भी देखिए जरा और इस पर अपना आकलन कीजिए, मुझे तो उसमें नेगेटिव कुछ नहीं दिखा। अ रिलीजन हु थिंक्स दैट इंक्रीजिंग देयर फॉलोअर्स वुड ग्रांट देम अ हायर लेवल इन द सोसाइटी कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज रिलीजन, स्पेशली दोज फॉर हुम किलिंग अदर रिलीजन्स फॉलोअर्स वुड ग्रांट देम अ टिकट टू हेवन। आई एम नॉट पॉइंटिंग एट एनीवन, आई एम नॉट पॉइंटिंग एट एनी रिलीजन, माय वर्ड्स आर इनफ फॉर दैट।
वो बिल्कुल जेन्युइन स्टेटमेंट दे रहा है। आगे देखिए, हिंदुइज्म सर्टेनली वॉज द मोस्ट डेवलप्ड रिलीजन बिकॉज 1000 ईयर्स बिफोर व्हेन पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स वर प्रमोटेड टू हैव 7 बेबीज 15 बेबीज टू ग्रो देयर ओन फुटबॉल टीम हिंदुइज्म ट्राइड टू फाइंड न्यू वेज टू स्टॉप ओवर पॉपुलेशन। इसमें कहां कोई नेगेटिविटी है या कहां कोई इलॉजिकल बात है कुछ नहीं समझ आएगा। आगे चलिए, Hindus get converted because of mainly two reasons. They are being forced by someone. Some religions, except Hinduism, may never have existed if they did not start converting. I'm not pointing at any religion. I have seen some missionaries which help people in their need, but they take advantage of their helplessness. They make them eat beef so that they cannot ever be converted to Hinduism. So, एक्चुअली तो मुझे इस लड़के से सहानुभूति हो रही है कि मैं जब 16-17 वर्ष का था तो मैं तो बहुत बुद्धू होता था, ये लड़का इतना शार्प है 16 वर्ष की आयु में, लेकिन अभी तक नेगेटिव कुछ नहीं आया। और यहाँ आते हैं, व्हाट इज योर व्यू ऑन टेररिज्म हैज नो रिलीजन, तो नीरज बिश्नोई क्या बताता है, रबिश। आई विश आई कुड गो अगेंस्ट माई आंसर एंड से दैट टेररिज्म हैज नो रिलीजन, बट एज फार एज वॉट आई नो and what I've seen and concluded is that there is a direct relationship with religion and terrorism. If you're subscribed to the Times, then you'll know about the answer of this question. An international leader comments, every Muslim may not be terrorist, true, but how is it that every terrorist is a follower of Islam? तो यहां तक आपको इस बच्चे की स्टेटमेंट्स में कहीं कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसे प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि मानो इसमें कुछ गलत हो। आगे देखिए, अब पहले दो बार ये मिजोजिनी मिजोजिनी कर चुके हैं, लेकिन जहां पर एक्सप्लेन करने का पॉइंट आ रहा है वहां पे क्या बोल रहे हैं, नॉट मच ऑन वुमेन एक्सेप्ट अ पोस्ट ऑन सनी लियोनी, और उस पर एक स्लर है। अब सनी लियोनी के बारे में वो बात करता है, उसे इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि बहुत ही भयंकर आदमी हो, कोई राक्षस किस्म का व्यक्ति, वो भी देखिए। हाउ डिड सनी लियोनी बिकम अ पोर्न स्टार, किसी ने पूछा, तो उसका आंसर क्या है, बिकॉज हर अपब्रिंगिंग वॉज लाइक दैट एट द एज ऑफ 5 और मे बी 6 हिज फादर टुक हिम टू बीच, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट इट वाज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम शी लर्नड अबाउट लाइफ, शी ग्रू अप टू बी अ मॉडल, अ गुड मॉडल इनडीड शी वॉज, but greedy Sunny wasn't satisfied with the salary they gave. A company was ready to give her a good sum. इसमें मोटा मोटा ये है जी, वो कह रहा है कि जो सनी लियोनी थी उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं थी, परवरिश ठीक से नहीं की, उसको बीच पे लेके गए तो मॉडल बनी, फिर उसको पैसे का लालच था तो किसी ने बोला टॉपलेस हो जाओ, तो उसके बाद वो टॉपलेस हो गई। बस लास्ट लाइन देख लीजिए जिसपे इनको आपत्ति है, फ्रॉम देन शी केम टू लाइमलाइट एंड अवर Bollywood adopted a roadside prostitute and made her a superstar. तो ये वर्ड उसने यूज किया है। अब पोर्न स्टार को प्रोस्टिट्यूट बोला है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम किया है इसने, लेकिन शर्जील इमाम ने कुछ नहीं किया था। और दूसरा कि कोई गे होगा उसे इसका कमेंट है, फील अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ यू गे, अ गाय कैन बी अ गे बट अ गे कैन नॉट बी अ गाय, अंडरस्टैंड दैट यू गे। इसे होमोफोबिया कहा जाता है, ये आजकल वो नया चला है, क्या बोलते हैं उसे, सेंसरशिप, कि अगर आप किसी को गे बोल दोगे तो आप पे गुस्सा हो जाएंगे, ये कैंसल कल्चर का पार्ट है। एनीवे आगे चलते हैं, फिर वहां पर जो शर्जील इमाम है उसे मास्टरमाइंड नहीं कह रहे, उसे क्या कह रहे थे, स्केपगोट है कि बेचारे को फंसाया गया है क्योंकि वो तो शांति दूत है। लेकिन यहां ये 21 साल का लड़का है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि क्या वो सिर्फ टैक्स सपोर्ट दे रहा था और कोई उसका बाप था जो उसे खिला रहा था, कि कोई और था जिसके लिए वो काम कर रहा था, कुछ इस तरह का कमेंट आता है। अब ये दो अलग अलग केसेस हैं, एक जिसमें बिल्कुल क्लियरली एक आदमी देश तोड़ने की बात बोल रहा है, जिहाद की बात करता है, जिहाद शब्द नहीं यूज कर रहा लेकिन वो मुसलमानों को उसी के लिए उकसा रहा है कि तुम्हें देश को तोड़ना है, आसाम को काटना है। वो तो स्टूडेंट है, वो स्कॉलर है, लेकिन ये जो स्टूडेंट होते हुए
इस तरह इसने गलत काम किया, इसमें कोई शक नहीं, दोनों क्रिमिनल्स हैं, लेकिन आप कल्पना करके देखें कि एक आदमी के कारण दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, 50 से ज्यादा लाशें गिर जाती हैं क्योंकि वो और उसके साथी इस तरह का जहर घोल रहे थे। और दूसरी ओर ये है जो एक ऐप क्रिएट करता है ऑनलाइन, जहां पर महिलाओं की फोटोएं जिन पे बोली लगाई जा सकती है, हाँ रियल लाइफ में कोई क्राइम हुआ या नहीं मुझे उसका साक्ष्य कोई नहीं मिला आज तक, तो यहां से आप सोच सकते हैं कि किस तरह से नैरेटिव को ट्विस्ट करके प्रेजेंट किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि यही क्विंट वाले, यही आदित्य मेनन और इसका साथी वहां तो पूरी प्रोफाइल खंगाल लेते हैं नीरज बिश्नोई की, और उन्हें वहां पे हालांकि कुछ मिलता नहीं है ज्यादा, लेकिन उसे आपत्तिजनक बना के पेश करते हैं। लेकिन जो शर्जील इमाम है उसके अंदर कितना जहर भरा था वो उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे दिख जाता अगर इन्होंने देखा होता। तो आप ये देखिए जरा, अब इस्लाम में आपने अगर जाकिर नायक को सुना हो तो क्या बताया जाता है कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, द ओनली क्राइम दैट कैनॉट बी एक्सक्यूज बाय अल्लाह इज शिर्क, शिर्क बोलता है वो कि शिर्क सबसे बड़ा क्राइम है। और शिर्क है क्या कि आप अल्लाह को छोड़ के किसी और का नाम ले रहे हैं, किसी और की पूजा करते हैं, तो वो सबसे बड़ा क्राइम हो जाता है, ठीक है। और उसे ये जो इस्लामिस्ट है, जो जिहादी शर्जील इमाम है, वो उसको मानता है, और ये आपको उसकी प्रोफाइल पे बिल्कुल फेसबुक पे दिखाई दे जाता है। ये देखिए जरा, शिर्क की बुनियादी आइडियोलॉजिकल किस्में नेशनलिज्म, वतन परस्ती, आइडोलेट्री, बुत परस्ती, मटीरियलिज्म, मादा परस्ती, सेक्युलरिज्म, दहर परस्ती, रेसिज्म, नस्ल परस्ती, एथिज्म, इल्हाद, लिबरलिज्म, नफ्स परस्ती, ह्यूमैनिज्म, इंसान परस्ती, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, शख्सियत परस्ती। तो पूरे हिंदू समाज को बुत परस्ती और पोलिथीज्म और शिर्क यानी पापी बता सकता है ये, लेकिन ये स्कॉलर है इन क्विंट के सांपों के लिए। और देखिए शर्जील इमाम की प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, हिंदुस्तान भी मेरा है और पाकिस्तान भी मेरा है, लेकिन इन दोनों मुल्कों में अमेरिका का डेरा है, F-16 रफेल एटसेट्रा के तमाशे में अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड का कंट्रोल जग जाहिर है। मगर एक और चीज हमें अमेरिका ने सिखाई है कि मुसलमान आसानी से टेररिस्ट बन जाते हैं, वो इस बात को बआसानी प्रूव भी कर देते हैं, इराक को बर्बाद किया और कहा देखो टेररिस्ट बन गए। अब ये टिपिकल वही एजेंडा है जो कहा जाता है कि सारे जो इल्जाम डालने हैं वो अमेरिका पे, वेस्ट पे डाल दो, हमारी किताब, हमारा हवा हवाई, हमारा पोपट सब एकदम ठीक ठाक है। आगे देखिए इसको, पुलवामा हमले के बाद किसी ने नहीं पूछा कि हालात यहां तक कैसे पहुंचे कि 18 साल में पहली बार कश्मीर में खुदकुश हमला हुआ। तो पुलवामा में एक गुंडा, एक जिहादी हमारे सैनिकों को मार देता है, वहां भी हमें पूछना चाहिए कि हालात ऐसे कहां कैसे पहुंच गए। ये जो विक्टिम कार्ड खेलना है ये शर्जील इमाम की एक्सपर्टीज इसमें। क्या रवैया रहा है सेंट्रल अथॉरिटीज का वहां, और कितनी बेगुनाह कश्मीरी जाने गई हैं इस रवैये की वजह से। मुसलमान हैं और मुसलमान टेररिस्ट बन सकते हैं क्योंकि उनके मजहब में ही खोट है। इस मसले में अमरीका, इंडिया और इसराइल का मौकिफ कमोबेश एक ही है। अब ये अगर आपको नहीं पता है तो जितने इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तीन देशों को अपना दुश्मन मानते हैं, इंडिया को, इसराइल को और अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका रिप्रेजेंट करता है क्रिश्चियंस को, इसराइल रिप्रेजेंट करता है ज्यूज को, और इंडिया रिप्रेजेंट करता है हिंदूज को, बुद्ध परस्तों को। तो ये वो जहरीला इंसान है जिसको वाइट वॉश करता है क्विंट जैसा अखबार। इतना नहीं है, और भी आगे
वी चोज इंडिया। अच्छा हाँ, ये इस नैरेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत मक्कार दिखते हैं जो कहते हैं कि हमें, हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को चुना था, जिसमें जावेद अख्तर भी है, नसीरुद्दीन शाह भी है। ये उसकी बात कर रहा है, उनके बारे में क्या बता रहा है वो देखिए जरा। वी चोज इंडिया, हमने हिंदुस्तान को चुना था, ये लाइन एक हिंदू नेशनलिस्ट लाइन है जो कि मुसलमानों को जलील करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अव्वल तो ये उन लोगों की बेहुर्मती है जिन्हें अपनी जान और आबरू बचाने के लिए एक खतरनाक सफर पे निकलना पड़ा, उनसे चॉइस पूछा नहीं गया था, स्पेशली पंजाब, बिहार, बंगाल, जम्मू, दिल्ली। तो यहाँ ये सारे का सारा नैरेटिव इन्वर्ट करके पेश कर रहा है कि मुसलमानों के साथ धक्का हुआ, बेचारे जा नहीं पाए एक खतरनाक सफर के लिए। और आगे देखिए, उसके अलावा ये तो बच्चा भी बता देगा कि जामा मस्जिद, अजमेर शरीफ या अपनी जमीन जायदाद पैक करके पाकिस्तान नहीं ले जाया जा सकता। अगर चॉइस होता तो पूरा हैदराबाद पैक करके लाहौर के बगल में जरूर शिफ्ट कर दिया जाता। तीसरी बात कि ये चॉइस वाला नैरेटिव अगर किसी के लिए सही है तो वो उन लोगों के लिए जो बावजूद अजियत इस्लाम की बाका की खातिर यहां रुके, कि सैकड़ों साल की मेहनत एक दिन में खत्म ना हो जाए, इसको देश की मोहब्बत कहना झूठ है और उन मुसलमानों की तौहीन है। ये है इसका असली चेहरा। क्या चेहरा है जी? कि सैकड़ों साल से इस्लाम यहां पर लड़ रहा था और अब इसको छोड़ कैसे दें, ये शर्जील इमाम का मैसेज है। और हमें क्या पेश किया जाता है? तो इस तरह के आस्तीन के सांप हैं जिनके चंगुल में हमारा देश, हमारी पीढ़ियां, हमारा समाज फंसा हुआ है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस तरह के जहर से बचें और ऐसे गद्दारों, ऐसे मक्कारों को पहचानें जो हमें बरगलाने का काम करते हैं। और अभी मैंने जो शर्जील इमाम की स्पीच आपके साथ शेयर किया, वो पूरी नहीं शेयर की, वो कुछ अंश शेयर किए आपके साथ। और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर समय मिलता है तो हम वो देखेंगे। नूब मास्टर नीरज जी, गीता पर कोई सीरीज का प्लान है क्या? जी हाँ, प्लान है, शीघ्र शुरू हो जाएगी जी। नूब मास्टर जी, आपका धन्यवाद। जी और प्रश्न है तो भेज दीजिए मेरे पास। अब इसमें मोटा मोटा जो अपना ऑब्जेक्टिव है आज के इस लाइव का, वो ये समझना है कि किस तरह से मीडिया नैरेटिव टिल्ट किया जाता है कि जो गद्दार हैं उन्हें इनोसेंट दिखाया जाता है, उनके क्राइम्स को छोटा करके पेश किया जाता है क्योंकि वो शांति दूत हैं, लेकिन अगर कोई हिंदू क्रिमिनल टकर जाता है तो उसको सीधा हिंदुत्व से, हिंदुइज्म से जोड़ के उसको एग्जेजरेट करके पेश किया जाता है। अंशुमन जी, सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद आपका। जतिन दीक्षित, प्रणाम नीरज जी, प्रणाम जतिन जी। व्हाई इज इट दैट दीज पोर्टल्स आर नॉट बीइंग क्लैंप्ड डाउन? व्हाई वी आर जस्ट एक्सपोजिंग देम? आई मीन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का क्या रोल होता है इसमें? देखिए जी, पहली चीज ये कि वो क्या करते हैं, उनको जर्नलिज्म से लिबर्टी मिलती है। अब झूठ बोलना कोई क्राइम नहीं है हमारे देश में, आप ऐसे क्रिमिनल किस धारा के तहत बैठाएंगे? नहीं बैठा सकते, क्योंकि हमारे पास एक संविधान है। अगर वो वायलेट होता है तब तो क्रिमिनल बनेगा, नहीं तो इस तरह का रास्ता उन्हें मिल जाता है। और दूसरी चीज, आप जब ये कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने क्या किया, तो दुर्भाग्य हमारा यह है कि कुछ कर नहीं रहे हैं आज तक। उन्होंने हिस्ट्री बुक्स पे क्या कर दिया, 7 साल हो चुके हैं। तो ये अकर्मण्यता, ये अपुरुष क्या पौरुषहीनता तंग कर रही है हमें। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इन पोर्टल्स के बारे में कर सकती है कि कम से कम सच बताने के लिए तो कह ही सकती है, खींच इनको खिंचाई की जा सकती है, लेकिन नहीं कर रही है।
पारस भनोट, पारस जी सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद आपका। और अगर आप ये पूरी स्पीच सुनेंगे इसकी शर्जील इमाम की, तो आप देखेंगे कि कितना खतरनाक आदमी था ये और उसे कितना डिसेंट बना के पेश किया जा रहा है। मैं एक आधी चीज आपके साथ और इसकी शेयर करता हूं क्योंकि अभी हमारे पास कुछ समय और है। हाँ ये रहा जी, याद रखें कि अगर आवाम गुस्से में है तो उस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करना। उस दिन तफसील में कहा था मैं उसको शुक्रिया, लेकिन दलितों को अपना नहीं। तो अगर आप देखेंगे इससे ज्यादा इस डॉक्यूमेंट पर भरोसा करना, ये हमारे लिए खुद खुदकुशी होगी। तो आपको बता दें सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है कि इस डॉक्यूमेंट पर भरोसा करना हमारे लिए खुदकुशी होगी। ये पढ़े लिखे पंडितों का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है। पढ़े लिखे पंडित जो हैं वो अनपढ़ पंडितों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने लिखा है और बड़ी मुस्तैदी से लिखा है कि हमें किसी तरह का हक न मिले। और मंडल कमीशन की भी जहाँ तक बात है वो कांग्रेस के खिलाफ आया था, ये आप सबको पता है। तो ये जो पूरा आइडिया ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट हुआ है 100-150 साल में, वो मुसलमानों के कब्रों पर हुआ है अव्वल। तो ये जो 100-150 साल में आइडिया ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये मुसलमानों की कब्र पर कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये है भोला भाला स्कॉलर। और वो जो कह रहा था क्विंट वाला कि उसने कहीं पर भी देश को तोड़ने की बात नहीं की है, अब जरा उस पे चलते हैं। तक जो पुलिस चली गई, लड़कों ने दोबारा रोड ब्लॉक कर दिया खुद से 3-4 मिनट से। हम लोगों को बुलाया कि आए और आप अपनी बात रखना शुरू करें, उसके बाद से हम लोग बात रखते रहे। अब ये इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट इसलिए नजर आता है क्योंकि हमारे पास कोई और तरीका अपनी बात पहुंचाने का नहीं है। तो क्योंकि डेमोक्रेटिक ये देश नहीं है, सेक्युलर नहीं है, तो इनके पास और कोई तरीका नहीं है अपनी बात पहुंचाने का। अपनी बात क्या है? इस्लाम और शरिया पहुंचाना है कि मुसलमानों को परसिक्यूट किया जा रहा है। अब तरीका सुनिए जरा, आपके पास कोई, आप खड़े नहीं जंतर मंतर पे एक साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल मीडिया को थोड़ा बहुत पड़ जाए, एक आध खबर छप जाए, लेकिन उससे ज्यादा एक पैसे का फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको कुछ करना है तो आपको हिंदुस्तान को बंद करना होगा। अगर आपको कुछ करना है तो आपको हिंदुस्तान को बंद करना होगा, इसकी सलाहियत हम में है। अब क्या परेशानियां, इतनी सलाहियत हम में है, तो ये सीधा सीधा देश तोड़ने की बात कर रहा है। अल्ताफ खान, थैंक यू फॉर एक्सपोजिंग स्नेक्स, काइंडली डू अ कोलैबोरेशन विद राजीव मल्होत्रा जी। जी धन्यवाद अल्ताफ जी, अप्रिशिएट करने के लिए भी और सुझाव देने के लिए भी आपका धन्यवाद। अच्छा वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी के क्या बता रहा था ये, कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो हिंदुओं को ज्वाइन करवाएं और अपनी शर्तों पे ज्वाइन करवाएं। तो यहाँ आपको मैं याद दिलाता हूं एक वो जो है सस्ती शेरवानी, उसका भी वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वो कह रही है कि हमने अपना आइडियोलॉजी नहीं बदली, हमने अपने टैक्टिक्स बदले हैं। वो एग्जैक्टली वही बात कह रही थी जो शर्जील इमाम कह रहा है कि इनको अपने साथ लेके आओ, अपने साथ मिलाओ, उनके उनसे भी नाराय तकबीर अल्लाहु अकबर लगवाओ, क्योंकि एक्चुअली ये मैं अपनी ओर से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये तो झंडू हैं, इनको किसी के पीछे भी लगाया जा सकता है सेक्युलरिज्म के नाम पे। अभिषेक जी, अत्री जी, ये पूरी तरह से हमारे मीडिया एजुकेशन और हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को टेक ओवर कर चुके हैं, यानी जॉइंट वेंचर ऑफ कांग्रेस, CCPC, जिहादी एंड मीडिया माफिया, वी नीड टू गेट अ बिगर रिस्पॉन्स, इस पर डिस्कशन शुरू कीजिए। अभिषेक जी ये डिस्कशन इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ,
इसमें अब देखिए, मैं बार बार क्या बोलता हूं, तीन चीजें आती हैं जहां से हम इस चीज को सुधारते हैं, पॉलिटिकल पावर, नैरेटिव पावर और स्ट्रीट पावर। पॉलिटिकल पावर की हमें समझ आई 60 साल बाद, तो 2014 हुआ, थोड़ी और समझ आई तो 2019 हुआ। तो पॉलिटिकल पावर तो हमने अपनी ओर से सुधारी दी, अपनी ओर से ठीक लोगों को सोच के, लेकिन उन्होंने कुछ काम किए लेकिन कुछ काम नहीं किए, तो वहां पर कुछ कमी चल रही है। शायद कोरोना के कारण नहीं कर पाए, मैं नहीं जानता, लेकिन पॉलिटिकल पावर वाला जो एक फैक्टर है वो हमने एड्रेस किया, लेकिन उसने हमें रिजल्ट नहीं दिए। दूसरा होता है नैरेटिव पावर, जो हम देख रहे हैं नैरेटिव की पावर है कि नैरेटिव बाकी चीजों पे भारी पड़ता है। जो जज वहां बैठता है उसको ये प्रभावित कर सकते हैं कि आज तो हम केवल क्विंट की बात कर रहे हैं, लायर वायर जितने हैं हिंदुस्तान टाइम्स सब मिलके प्रेशर क्रिएट करते हैं और लोग फंसते हैं उसमें। अब वैसे तो ये भी स्टेट कर सकती है, उनको नैरेटिव क्रिएट करने में योगदान करना चाहिए, पर नहीं कर रहे। तो जो इंडिविजुअल्स हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, ऑफ इंडिया कर रहा है, स्वराज्य मैग कर रहा है, संजय दीक्षित कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, जो लोग कर रहे हैं वो अभी उतना ज्यादा वेल ऑयल्ड नहीं है। तो तीसरी होती है स्ट्रीट पावर। स्ट्रीट पावर के लिए हमें संस्थाएं चाहिए जो ये काम करें। यहां दोनों जगह पे अभी कमी है जिसको सुधारने की आवश्यकता है। डिस्कशन शुरू हुआ है, उसकी ओर थोड़ा थोड़ा रास्ता भी निकालने का प्रयास हो रहा है। कब वो फ्रूटफुल होगा, कब वो फलीभूत होगा, वो अभी देखना तय देखना शेष है। लेकिन आपकी बात एकदम सटीक है कि वो पूरी तरह से कब्जे में ले चुके हैं, हम जस्ट उसको धीरे धीरे स्क्वीज करना शुरू कर रहे हैं, बाहर निकालना। अजय विश्वकर्मा, ताजमहल हम हिंदुओं के पैसों से बना है। जी हाँ, बना है। भिखारी क्या बना सकते हैं, जो रेगिस्तान से लूटने आया था वो थोड़ा कुछ बनाएगा, जिसके घर को लूटा है उसी के लूट का पैसा यूज करेगा ना वो। ट्रुथ, इवन अ नंबर ऑफ हिंदू सपोर्ट क्विंट एंड द वायर्स। हाँ करते हैं ना, वो नाम के हिंदू हैं। यही देखिए जो अभी अभिषेक जी ने भी बात छेड़ी है ना, कि उनका पूरा कंट्रोल है और नैरेटिव की पावर ये होती है कि वो आपको बरगला लेते हैं, झूठ को सच का जामा उड़ा के मूर्ख बना दिया जाता है और लोग उसमें फंसते हैं, और मीडिया उसका सबसे अच्छा टूल है। जय हिंद सर, इनको फंड कौन करता है, पीएफआई या जेडएफआई या जमीयत उलेमाए हिंद या वक्फ बोर्ड, फिर कांग्रेस, और ये सवाल क्या होता है सर? देखिए जितने आपने नाम लिए हैं वो तो सारे के सारे फंड करते हैं, बाहर से फंडिंग आती है बहुत सारी। हवाला होता है जी कि विदेश से कोई पैसा भेजेगा तो सरकार की नजर आ जाएगी उस पर, तो उसका एक हल ढूंढा जाता है कि मान लीजिए कनाडा में दो लोग बैठे हैं, ठीक, और खालिस्तानी पंजाब में बैठे हैं, तो उसे पैसा पहुंचाना है, तो यहां पर जिसके पास वेपन है वो बेचने वाला है आतंकवादी को, आतंकवादी ने पैसा देना है, तो आतंकवादी फोन करता है कनाडा में एक्स को कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, यहां पर जो बेचने वाला है उसका रिश्तेदार जो कनाडा में भेजा है तो उसे पैसे दे दे। तो पैसा ट्रांसफर वहां हुआ कनाडा में, यहां पर वेपन एक्सचेंज हो गया, ये हवाला होता है। और भी ढंग है लेकिन ये मैंने बड़ा सिंपल सा आपको एक उसका मेथड बताया। राहुल गांधी जी, बड़े दिनों बाद आए राहुल जी। What are other ways to promote घर वापसी, like one of ways by supporting ex-Muslims who has done घर वापसी? अपने आप को सशक्त बनाइए। देखिए मैं बार बार कहता हूं ये सारा नैरेटिव जो है ये झूठ पे खड़ा है। जितने अब ये जो मक्कारी आपको मैंने आज आपके सामने रखी है ये सारी झूठ पे चल रही है ना, हमें सिर्फ सच बताना है फैक्ट्स के साथ। आपका आपका बात रखने का ढंग कैसा ही सब उस पर डिपेंड करेगा
तो आप अपने आसपास के लोगों को वापस ला सकते हैं। अब जैसे ये बोल रहा है जो शर्जील इमाम है, क्या कह रहा था कि आप एक स्कॉलर हैं, आप एक हिंदू को तो अपने साथ ला सकते हैं, तो उसे पता है कि एक को उल्लू बना लेंगे वो। आपको उसे उल्टा करना है, एक को सच्चे रास्ते पे लेके आना है कि भाई ये देख, ये तेरी किताब है, ये तेरा पोपट था, ये इस तरह के लोग थे, क्या तू इसको मानता है। और आप यकीन मानिए कि उस समाज में भी समझदार, बुद्धिमान, सेंसिबल, सेंसिटिव लोग हैं जो इन बातों को समझेंगे, सीखेंगे और घर वापसी करेंगे। और कुछ नहीं है, दो चार लोगों के साथ मिलकर एक संस्था बना लीजिए, चार पांच लोग एक ग्रुप बना लीजिए और उन्हें अप्रोच कीजिए जो अशुद्ध हो चुके हैं, उनका शुद्धिकरण करने का प्रयास कीजिए। शैडो सर, क्या सऊदी से अभी भी फंडिंग आ रही है इन जिहादियों को? आप जब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो मुझे कभी कभी अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं इतना समर्थवान हूं कि मुझे सब कुछ पता लग जाता है। देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बता सकती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज बता सकती हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो कर ही रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चेतन राव, नीरज जी नमस्ते, आपने पूर्णतः सत्य कहा, हिंदू विश्व का सबसे मूर्ख प्राणी है अपनी सद्गुण विकृति के कारण। हाँ ठीक बात है, नहीं केवल सद्गुण विकृति ही नहीं है, उसकी बुद्धि पे कब्जा किया गया है। आज जो अप्लाइड साइकोलॉजी की टेक्निक्स हैं, जो प्रोपेगेंडा टेक्निक्स हैं, उनको यूज किया जा रहा है और उसके चंगुल में हर कोई फंसेगा। अगर उसको सच्चा नैरेटिव नहीं दिया जाएगा तो झूठ में तो फंसेगा ही फंसेगा, इसमें तो कोई हैरानी वाली बात ही नहीं होनी चाहिए हमारे लिए। हरी सिंह नलवा, हिंदुओं बेवजह के गायक जो कि क्रिप्टो क्रिश्चियन और मुस्लिम है, उनके वीडियो यूट्यूब इत्यादि को लाइक मत करो। हाँ ठीक बात है, ये देखिए छोटे छोटे काम है, हम गधों की तरह जहां भी भीड़ लगते हैं वहां पहुंच जाते हैं, शेयर लाइक कर देते हैं जिससे उनको फायदा मिलता है। इतने छोटे काम पे तो ध्यान किया ही जा सकता है कि जो अपने नैरेटिव को बढ़ाते हैं उनको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर उनको कंट्रीब्यूट करें और दूसरों को अनलाइक करें, छोटे छोटे काम है किए जा सकते हैं। अमेय, एक बार अंबेडकर की भी थोड़ी पोस्टमार्टम कीजिए और अरुण चौरी की बुक को डिस्कस कीजिए, फॉल्स गॉड्स वाली। जी करेंगे, नहीं मुझे लगता है उसका कुछ शुभ मुहूर्त नहीं आया, दो तीन बार प्रयास किया उनके साथ, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह के साथ, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई उसमें। प्रयास रहेगा, करेंगे, वो पेंडिंग टास्क में से एक है। अभिषेक सिंह सर, लेट्स मेक अ डिस्कशन ऑन कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जी हाँ, करनी चाहिए, मैंने शायद कहीं पे की भी है, अभी मुझे इस समय एग्जैक्टली नहीं ध्यान आ रहा कहाँ हुआ था, लेकिन ठीक कहते हैं आप, करना बनता है और तथ्यों के साथ करना चाहिए, उस पर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो देखते हैं कब ज्यादा सार्थक बनता है वो। मेडिटेशन एंड मेडिटेशन, ताजमहल तो तेजो महालय है, इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाइए। भाई मैं डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनाता हूं और इसको पहले प्रूव करना पड़ेगा अकाट्य प्रमाणों के साथ, तब डॉक्यूमेंट्री बनेगी। स्टॉक्स मैजिक लॉन्ग टर्म, जी सुपर स्टिकर के लिए आपका बहुत बहुत आभार स्टॉक्स मैजिक लॉन्ग टर्म जी। जय हिंद, नेक्स्ट द वायर। द वायर को तो मैं पहले एक्सपोज कर चुका हूं, यदि आपको नहीं पता है तो जो आस्तीन के सांप वाली सीरीज है उसमें देखे, वायर पे आपको एक तो डेडिकेटेड वीडियो है जो मिल जाएगा और एक और भी किसी एक आधे को अलग से भी एक्सपोज किया उसमें। लॉर्ड द जाल, गुरुजी अगर सभी नैरेटिव का लड़ाई है तो हम कैसे लड़ सकते हैं
ये पूरा सोशल मीडिया पर ही लेफ्टिस्ट का कब्जा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी आपका, कैसे लड़ सकते हैं? इस पे मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, आपके साथ शेयर करूंगा, तो उस समय मुझे आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। अभी जो लोग ये काम कर रहे हैं उनका सहयोग करते रहें, यही कह सकता हूं अभी तो। और उसके अतिरिक्त आप, हाँ ये देखिए क्या है कि आप जितना सच को समझते जाएंगे, अपने साथ के लोगों के साथ शेयर कीजिए, एक के साथ, दो के साथ शेयर कीजिए, तो वो अपने आप में हमारे लिए सफलता हो जाती है। अभी तो इतना ही कह सकता हूं। शेखर शर्मा जी, शेखर जी सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद आपका। रविंद्र रावत, डोंट एक्सपोज, ट्राई टू सेट प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मेंटलिज्म, पोपटिज्म। जी वो भी हो रहा है, दोनों एक्चुअली ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इतने फ्रंट्स हैं, सभी पे काम करने की आवश्यकता है। तो जितने लोग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आपकी बात काफी हद तक ठीक है कि केवल एक्सपोजर से काम नहीं चलता, लेकिन एक्सपोजर भी बहुत आवश्यक होता है। अमरीश ऋषि, सर पंजाब में सोशल मीडिया में बढ़ रहे रीजनल न्यूज चैनल्स बहुत नफरत फैला रहे हैं पंजाबी लैंग्वेज की वजह से, उनकी रीच सिर्फ पंजाबी लोगों तक ही है, फॉल्स नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं वो। जी हाँ, आपकी बात ठीक है, वो हर जगह पर पहुंच गए हैं, उनके पास बहुत डीप पॉकेट्स हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, काम हो रहा है, अपना अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, तो पहुंचाना पड़ेगा जी, बस ये अभी तो काम धीरे धीरे हो सकता है। हरे सिंह नलवा, आपका नाम सुनते ही मुझे बहुत गर्व का अनुभव होने लग जाता है जी। यदि नरसिंहानंद जी के साथ भी वीडियो लाइव करो जी, आपके चैनल के नए सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। अरे उनके साथ किए ना हमने, पहले दो तीन बार किया है, अभी लास्ट टाइम मैंने फोन किया था तो उन्होंने उठाया नहीं, शायद व्यस्त होंगे, तो देखते हैं। अमित पटेल, लेट्स ऑल हिंदू स्टिक टुगेदर लाइक वन ब्लड वन फैमिली, द रेस्ट वी कैन टेक केयर इजीली। हाँ अमित जी ठीक कह रहे हैं आप, एकता में बल है, और अगर हम ये छोटी छोटी बातें सीख जाते हैं ना तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे। अभी दुर्भाग्य से क्या हो रहा है, हम बड़ी छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ते हैं, अपने परिवार में कलेश करते हैं, पति पत्नी से, बहन भाई से, माँ बाप से, बेटे से, सबसे झगड़े होते हैं। वहां हम अपनी मर्दानगी, अपनी इंटेलेक्ट, अपनी चतुराई सब दिखाते हैं, लेकिन जो आपने कहा है अगर उस पे ध्यान दे लें कि आपस में जुड़कर राक्षसों मलेच्छों से लड़ने लग जाएं, तो स्थिति बहुत जल्दी सुधर सकती है। ज्योतिर्मयदास, सन्नी को प्रोस्टिट्यूट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेगा? मैं आपसे क्या कह रहा था कि गे को गे बोलेंगे तो झगड़ा, लूज कैरेक्टर को लूज कैरेक्टर बोलेंगे तो बोलो देखिए देखिए कैसे बोल रहा है। तो ये जो एक नई तरह की सेंसरशिप ला रहे हैं ना, जिसे कैंसल कल्चर बोलते हैं, ये बहुत डेंजरस है। और ये करते कैसे हैं, मेंटल प्रेशर क्रिएट करके, वर्च्यू सिग्नलिंग करके। जब हम ये बात समझ जाएंगे कि इनमें कोई दम नहीं है, ये झूठे खोखले मक्कार लोग हैं, तो उनके ये नैरेटिव चलने बंद हो जाएंगे। क्विंट वायर प्रिंट एनडीटीवी इंडिया टुडे ऑल, हाँ जी आपने तो कम नाम दिए हैं, बहुत सारे नाम इसमें जुड़ सकते हैं, सारे के सारे ही झूठ बताते हैं, लेकिन क्या करें, वास्तु स्थिति तो यही है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन, ये काम तो कर ही सकते हैं, है ना। तो ठीक है जी, आज हम अब इतिश्री की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आज के प्रश्न हमने ले लिए हैं सभी। तो ठीक है जी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।